कायनात के गोशे गोशे में पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं कि मौला हुसैन का नाम लोग इज्जत के साथ, फख्र के साथ, प्राउडली लेते हैं। अब मैं हमेशा कहता हूं कि अपने बच्चों का नाम रखो हसन और हुसैन, कोई और नाम मत रखो, हुसैन का नाम रखो, अली का नाम रखो, मासूमीन के नाम रखो। दुनिया के मॉडर्न नेम्स के चक्करों में मत पड़ो। अगर तुम ये मासूमीन के नाम रखोगे तो उसके बाद वो सिफात, वो नाम की बरकत ऐसी मिलेगी कि तुम खुद सोचो। अगर हुसैन, मिसाल के तौर पर तुमने बच्चों का नाम रखा, बेटे का नाम हुसैन रखा, 24 घंटे तुम्हारी जबान पर तुम्हारे घर में हुसैन 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 हुसैन। मैं दुनिया में हमेशा ये कहता हूं कि मौला मासूमीन के नाम को प्रोपोगेट करो, मासूमीन के नाम को अपनी औलाद के नाम पे रखो। बेटियां हो तो शहजादियों के नाम रखो, इमामों की वालिदा का नाम रखो, और बेटा हो तो सिर्फ मासूमीन का नाम। ड्रामास का नाम मत रखो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। एटलीस्ट अगर हुसैन रखे, हसन रखो, अली रखो, मोहम्मद रखो, सज्जाद रखो, पूरे मासूमीन के नाम, अली अकबर रखो, कासिम ओनो मोहम्मद रखो, तो तुम्हारे घर में ये नाम रिपीट होते जाएंगे। जब घर में ये रिपीट होंगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में। उन घरों में मैं जानता हूँ, घरों में बरकतें हैं कि जिनके बच्चों के नाम मासूमीन के नाम पर। इसलिए ये नाम जितनी दफा तुम पुकारोगे, सवाब का सवाब, तुम्हारी जबान पाक हो रही और तुम्हारे घर में हुसैन हुसैन अगर होता रहा तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक सलावत पढ़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद।